बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो टॉपिक था आपका आसान सा टॉपिक था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है और देखते हैं आपको कितना आसान ही से समझ में आ जाता है। तो वो टॉपिक है आपके पास डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के। फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं? शायद आपको याद हो कि जब मैंने नंबर सिस्टम सॉरी मैंने आपको यूनिट सिस्टम पढ़ाया था तो तीन यूनिट सिस्टम्स के बाद मैंने आपको एक नया यूनिट सिस्टम पढ़ाया था। मैंने कहा था एक डायमेंशनल सिस्टम कहलाता है और उसके पीछे मैंने एक कहानी भी सुनाई थी आपको कि डायमेंशनल सिस्टम क्या है और इसको क्यों बनाया गया। तो डायमेंशनल सिस्टम की बात सुन लो कि भाई डायमेंशनल सिस्टम में आपके पास किसी भी क्वांटिटी को किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने करने के बाद बहुत इजी और बहुत विदाउट एनी कह सकते हो कि कैलकुलेशन आपके पास वो यूनिट तैयार हो जाता है। यानी कि उसके अंदर कांस्टेंट्स को हम शो नहीं करते, उसके अंदर आपके पास हर वेरिएबल के लिए यानी कि जो सिमिलर वेरिएबल्स हैं उनका सेम सिंबल मौजूद है, चाहे वो आपके पास किसी भी प्रीफिक्स के साथ मौजूद हो। तो डायमेंशन सिस्टम बनाया ही इसी वजह से गया है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, खास तौर पे उनके लिए जो बहुत दूर दराज के लिए या फिर कई सारी चीज़ों को कई सारे कह सकते हो गए ममालिक को एक साथ मिलाकर कैलकुलेशन की जा रही है। ओके, इसके पीछे यानी कि आपके पास बुक के अंदर भी वो रीज़न लिखा हुआ है कि हम क्यों यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यूनिट सिस्टम इस्तेमाल करने की भी वजह यही है, बट डायमेंशनल सिस्टम इस्तेमाल करने की खास तौर पे जो वजह है वो आपके पास तमाम यूनिट सिस्टम को एक तरफ कंबाइन करने की है। ओके, गौर करिएगा, उसको पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल एंड रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। जिस तरह से हम यूनिट लिखते हैं वैसे ही आपके पास ये यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आपको सिर्फ डायमेंशन बताता है कि आपके क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है। यानी आपकी क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी मजीद, ये नॉर्मली हम ड्राइव क्वांटिटीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके उस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर आपके पास उस इक्वेशन के अंदर कितनी क्वांटिटीज मौजूद हैं और कौन सी क्वांटिटी है जो अपना असर रखे हुए है उसके अंदर। क्योंकि हर क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है आपके पास उसमें चार क्वांटिटीज आ रही है अंदर, यानी एक ड्राइव क्वांटिटी है, पता है ना सबको ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, उस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर चार बेस क्वांटिटीज आ रही है, लेकिन जब मैंने डायमेंशन निकाला उसका तो उसमें सिर्फ एक क्वांटिटी है जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बस बाकी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो गई, खत्म हो गई। तो वो डायमेंशन ने क्या बताया कि भाई सिर्फ ये एक क्वांटिटी है जो आपके पास आपके जो ड्राइव क्वांटिटी है उसके उसको यूज कर रही है या उसको अपने साथ चला रही है। ओके, तो शायद अब मेरी बातें आपको शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, सर ये कौन सी क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो ड्राइव और बेस क्वांटिटीज के दरमियान का रिलेशन है बेसिकली कि कितनी क्वांटिटीज, सारी क्वांटिटीज वो डिपेंड नहीं कर रही होंगी, कितनी क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं तो उसको देखना है हमें। तो जरा गौर करें, पहले मैं आपको बता दूंगा आप क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कैसे करते हो, सिंपलाइज कैसे करते हो। तो शुरू की कुछ क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। मैंने कहा था ये आपके पास हीरोज हैं, सही है, आपके फिजिकल क्वांटिटीज में हीरोज हैं, हमेशा टॉप पे रहेंगे, लेंथ, मास, टाइम। ओके, लेंथ को आप डायमेंशन सिस्टम में कैसे सिंपलाइज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना लाजमी है। ओके, और सारे अल्फाबेट्स कैपिटल होंगे, याद रखिएगा। तो लेंथ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एल, मास के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, और ये कभी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर यूज कर लिया तो उसके लिए कैपिटल जे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर यूज कर लिया कैपिटल एन, टेम्परेचर यूज कर लिया तो थीटा, ठीक है, ये थीटा है आपके पास। इसके अलावा और बहुत सारे यूनिट्स हैं आपके पास, सिंबलाइज अब हम बन गए, वरना शुरू में हम सिर्फ तीन यूज करते थे और इस बुक में कैलकुलेशन के हद तक हम तीन ही यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे।
अच्छा, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डायमेंशन आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, फिर मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखूंगा जिससे आपको खुद सॉल्व करना होगा डायमेंशंस को। फॉर एग्जांपल, अब आपको मैंने कैसे पढ़ाया था, क्या बताया था, मैंने बताया था बेटा कि ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं किसी दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज से मिलकर। तो एरिया किन दो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बना है सबको पता है? तो याद रखिएगा कि आपके पास जो एरिया बनता है, एरिया वो दो लेंथ से मिलके बनता है। जिन्होंने सही जवाब दिया है उनको समझ में आ गया होगा। दो लेंथ मतलब अब उसको आप लेंथ इनटू ब्रेथ कह लो, लेंथ इनटू हाइट कह लो, या दोनों को कह दो भाई सर दो लेंथ होती हैं उनसे मिलके बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और दो लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। यूनिट बनाते तो उसका यूनिट क्या होता बेटा, मीटर स्क्वायर। लेकिन दिस टाइम आपके पास यूनिट क्या है, डायमेंशन है। सही है, आपके पास डायमेंशन मौजूद है, आपको यूनिट डिस्क्राइब नहीं करना हुआ। हाँ, यूनिट जरूर याद होना चाहिए क्योंकि कुछ जगहों पे हम डायरेक्ट कभी कभार यूनिट्स को भी यूज करते हैं। सही है, कभी कभार हम यूनिट्स को भी देख रहे होते हैं कुछ जगहों पे। तो दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक तो डायमेंशन लिखने का तरीका ये रहा, और यानी कि आप इस ब्रैकेट वाले एल को दो दफा लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसे तो आंसर आपके पास आता है स्क्वायर में। सही है, सबने यही सोचा था ऐसे आंसर आएगा, और अगर यही सोचा था तो वेरी गुड, क्योंकि आपने आंसर मुझे सही दिया है, लेंथ इनटू लेंथ। अब मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम में कितनी लेंथ होती है, ये वॉल्यूम भी आपके पास एक क्या नाम मेजरमेंट है। तो वॉल्यूम किन दो किन क्वांटिटी से मिलके बनता है भाई, तो आप इसमें भी बता सकते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम मेड ऑफ थ्री लेंथ्स, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि आपके पास तीन लेंथ्स आती हैं, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा आपके पास क्या, एल क्यूब। और क्योंकि मुझे डायमेंशन बनाना है इसका, सही है भाई, मुझे इसका डायमेंशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, बना लें डायमेंशन। ये तो डायमेंशन आ गया आपके सामने, यही था। डायरेक्ट एल क्यूब लिखोगे वो सिर्फ एल क्यूब पढ़ा जाएगा क्वांटिटी का, अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो हर कोई समझ जाएगा आपने डायमेंशन लिखी है। ये याद रखना माइंड में, ये बात याद रखना। चले भाई, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी आपके पास दो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, तो इसके लिए अब आपको यूनिट याद रखना पड़ेगा या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दोनों चीजों में से कोई एक चीज याद रख लेना ताकि इसका डायमेंशन बनाना आसान हो। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस का दूसरा मतलब लेंथ ही होता है, यानी ये लेंथ है। ओके, यानी मैं बता रहा हूं कि आपके पास डायमेंशन आपको कैसे सॉल्व करनी है। डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, सही है। अगर लेकिन प्रॉब्लम हो तो आप यूनिट बना लेना मीटर, ओके, और सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन आपने बनानी है डायमेंशन, यूनिट नहीं बनाना, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट लिखते हैं या यूनिट भी बना दें। ओके, तो मैंने कहा डिस्टेंस इज काइंड ऑफ लेंथ, तो मैंने लिख दिया ऊपर कैपिटल एल विद ब्रैकेट, अब ब्रैकेट नहीं बना रहा मैं, आंसर में ब्रैकेट लिखूंगा, और टी टाइम होता है, तो आप लिखते नीचे कैपिटल टी। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, मतलब कभी भी आप कोशिश करिएगा डायमेंशन को डिवीजन में ना लिखें, फ्रैक्शन में ना लिखें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी ऊपर जाकर नेगेटिव वन हो जाएगा, टी ऊपर जाकर नेगेटिव वन हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, अब इसको ब्रैकेट में बंद करना, यहाँ पर भी करिएगा बंद ताकि पता चले कि आप डायमेंशन निकाल लें। सही है, तो मैं मेरा पेन थोड़ा इशू कर रहा है, इस वजह से मैंने लास्ट में बना दिया।
इसका मतलब जो मैंने आंसर निकाला है वो क्या आना चाहिए, जरा देखते हैं, यही आना चाहिए जो मैंने बताया। जी बिल्कुल यही आ रहा है। तो बात समझ में आ गई कि आपके पास अगर डिफरेंट काइंड ऑफ बेस क्वांटिटीज मौजूद होंगी तो किस तरह से आप डायमेंशन निकालेंगे, कुछ इस तरह से। सही, चलो फोर्स के लिए मैं थोड़ा सा करता हूँ, फोर्स वाला मैं डायमेंशन आपको बताता हूँ। अब फोर्स के बारे में मैं जानता हूँ, फोर्स इज बेसिकली F is equal to ma, सही है? फोर्स क्या होती है? F equal to ma, ये सबको पता है। अच्छा, m बेस क्वांटिटी है, तो बेटा बेस क्वांटिटी को तो आप डायरेक्टली डायमेंशन में लिख सकते हो, बट एक्सेलरेशन इज अ ड्राइव क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन इटसेल्फ कई क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। कितनी क्वांटिटी से? दो क्वांटिटी से। तो या तो आप फिर एक्सेलरेशन को भी ब्रेक करो, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू लिखो भाई, एक्सेलरेशन दो क्वांटिटी से किससे मिलके बनी हुई है? आपने कहा सर वो बनी हुई है, हाँ भाई एक्सेलरेशन किससे बना हुआ है? वेलोसिटी ओवर टाइम से। ये लो भाई एक और टेंशन आ गई। अब मैंने कहा वेलोसिटी भी तो दो क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है, तो आपने कहा जी सर डिस्टेंस ओवर टाइम से मिलके बनी हुई है वेलोसिटी। तो अब आप इसको ओपन करके और कैसे लिखोगे? आप लिखोगे मास, सही है, वेलोसिटी क्या है आपके पास? डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टाइम नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर, सही है, बात समझ में आ गई, डिस्टेंस ओवर टाइम का स्क्वायर। या फिर आपको फॉर्मूला याद हो, या फिर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप दोनों चीजें याद रखें, दोनों चीजें लिखें, इससे आपकी दो प्रैक्टिस हो जाएंगी। एक तो आपको यूनिट से फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले से यूनिट बनाना आ जाएगा, और डायमेंशन को लिखना और आसान हो जाएगा। सही है, तो आप दोनों चीजें लिखें, पहले ड्राइव करें इसको, फिर यूनिट में बनाते हैं इसको, सही है। तो दोनों चीजें आपके पास आसान हो जाएंगी। अब चाहो तो उसको इनवर्स पहले कर दो, या डायमेंशन बनाने के बाद इनवर्स कर देना। चलो पहले डायमेंशन देख लेते हैं। जी भाई, किलोग्राम या मास, मास का डायमेंशन क्या होता है? ऊपर आप देख रहे हैं सर कैपिटल एम होता है, ओके लिख दिया, डायमेंशन का ब्रैकेट बना देना। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज काइंड ऑफ लेंथ, तो आपके पास लेंथ एल होता है डिस्टेंस का यूनिट। और टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है भाई? टी, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। आप जब इसको, मैंने क्या कहा था, डिवीजन में नहीं होना चाहिए, डिवीजन ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या आंसर बनना चाहिए? तो वो आंसर बनेगा आपके पास एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। शायद बहुत सारे बच्चों ने, अक्सर बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर निकाल लिया है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, यही आंसर बनना चाहिए। देख लेते हैं हमारे पास आंसर ये आ रहा है, बिल्कुल एम एल टी माइनस टू। यानी या तो आपको इक्वेशन याद हो, सही है, या तो आपको इक्वेशन याद हो, या फिर आपको न्यूमेरिकल का फॉर्म, उस इक्वेशन का फॉर्मूला याद हो, यूनिट उसका क्वांटिटी का फॉर्मूला याद हो, यूनिट याद हो सॉरी। तो यूनिट से भी बना लोगे और उसके फॉर्मूले से भी बना लोगे, आसान है, कर लोगे भाई। मैं करवा देता हूँ ताकि आपकी एक आसानी हो जाए, मैं एक पूरा आपको करने को दूंगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन आपको वर्क का फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई वर्क का फॉर्मूला, ऐसा ही है, एफ इंटू डी होता है, या एफ इंटू एस जो देख चाह रहा है, एस या एफ डी कोई में, दोनों उसमें से कुछ भी लिख सकते हो। एफ का आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, या फॉर्मूला लिख लीजिए जो लिखना चाह रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिखिएगा ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाए। और ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर होता है, आ गया। तो किलोग्राम का मतलब मास, ओके, किलोग्राम का मतलब मास, ओके, किलोग्राम का मतलब मास, दो मीटर आ रहे हैं इसका मतलब दो लेंथ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। तो बेटा ये लेंथ हो जाएगा क्या?
than the square. Divide में क्या लिखा हुआ है? Second. Second किसका यूनिट होता है? Time का. Time का square. आ गया dimension. T divide में आ रहा है, ऊपर ले आओ उसको, क्योंकि इस तरह से नहीं लिखते, हमेशा linear form में लिखते हैं. Linear form में मतलब एक ही line में लिखते हैं. तो m l square और t का minus square. सही है बेटा, बिल्कुल सेम. भी मुजम्मिल ने बिल्कुल सही मुझे बना के दिखाया है, मेरे ख्याल से और किसी ने भी दिखाया होगा, मैं भी चैट देख नहीं रहा हूँ, सॉरी. तो बस डायमेंशन के लिए यहाँ पे ब्रैकेट बना दो, ये इधर भी ब्रैकेट आ जाएगा. सही है, देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है आपके पास. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर वही आ रहा है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है. ओके बेटा, बात समझ में आ गई सबके? चंद क्वांटिटीज आपके पास ये हैं आपके सामने. ओके बेटा, एक्सेलरेशन, प्रेशर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और पावर, ये पांच क्वांटिटीज मैंने आपको दी हैं. आपने सिंप्लीफाई करना है, बुक में देखोगे भी तो बुक में आंसर है खाली, आपने सिंप्लीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप. सही है, प्रैक्टिस है, बुक मत देखना, बुक पांचों को सॉल्व करने के बाद देख लेना, क्योंकि आंसर तो मैं भी बता दूंगा बाद में. सही, आंसर तो मैं भी कल बता दूंगा आपको, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको आपको प्रोवाइड कर दिया. इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह जब आप इसको अपने कमांड में ले आएंगे, फिर हम इसके ज्यादा से बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह. तो बेटा आज के लिए मैं टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आऊंगी इंशाल्लाह. फिर कल की क्लास में, या अगर कल नहीं हुई तो मेरे ख्याल से कल ओपन है आपका, मुझे कन्फर्म नहीं है, तो कल या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे. सही है, कोई इशू हो गया हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं. तब बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.